हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 15 सदस्यीय खिलाड़ियों के बारे में जो इस बार ODI विश्व कप में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बताते चले कि इस साल अक्टूबर नवंबर में विश्व कप खेला जाना है, जिसके लिए सभी टीमों ने टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले कि इस बार ODI विश्व कप में वर्ल्ड की 10 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली दोनों ग्रुप की टॉप की 3 टीमें सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेंगी और सुपर 6 में जो टीम जीतेगी वो सुपर 4 यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये थी कुछ जानकारियां विश्व कप के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं भारत की 15 सदस्यीय खिलाड़ियों के बारे में जो इस साल ODI विश्व कप में हिस्सा लेने वाले हैं। भारत की 15 सदस्यीय टीम में किस किस को दिया जाएगा मौका, किसकी होगी एंट्री, किसको किया जाएगा बाहर, भारतीय टीम में युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा, ये सभी दिलचस्प जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत की 15 सदस्यीय टीम कुछ इस प्रकार हो सकती है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभम गिल, विराट कोहली, KL राहुल, कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए ईशान किशन और जू सैमसन को भी मौका दिया जा सकता है। बॉलिंग अटैक कुछ इस प्रकार हो सकती है। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, हर्षदीप सिंह। वहीं स्पिन अटैक भी कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। युजवेंद्र चहल, अश्विन, कुलदीप यादव, सर पटेल। वहीं युवा खिलाड़ी के रूप में सूर्य शर्मा को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।